थोड़ा नेता पक उसके हवाले से मैं आया क्रॉस कश्मीर के जो वाइस चांसलर साहब थे यहाँ से साहब थे, तो हमने यहाँ पर उसकी फाउंडेशन लगाई है और ये नॉर्थ कश्मीर में 12 दिनों में चूँकि वॉलनट अब यहाँ पर इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है और उस हवाले से हम यहाँ आए थे ताकि इस की जो सनत है ये वॉलनट की जो सनत है इस पर थोड़ा फोकस किया जाए और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाए बनाया जाए। सर उस तरीके से जैसे हम हॉर्टिकल्चर को लेते हैं वॉलनट को उस तरह से कभी लिया नहीं, ये बैकयार्ड में होता था ठीक है, तो अब इसको हम चूँकि आप एक्सलेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस वॉलनट जो है यहाँ पर हमने सेंटर खोला है यहाँ पर, इसकी प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद जो यहाँ पर इनोवेशन होंगे नई नई वेराइटीज़ का और लोगों को अवेयर किया जाएगा और लोगों को सिखाया जाएगा जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज भी है अवेलेबल टेक्नोलॉजी, तो फिर भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे लोग और जो ट्रेडिशनल हमारे जो पेड़ रहे हैं बहुत बड़े हैं और जब हार्वेस्टिंग का होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, उस हवाले से जो नई टेक्नोलॉजी है जो एग्जॉटिक वेराइटीज़ होंगे वो डार्प रहेंगे, वो छोटे रहेंगे ऑर्गेनाइज रहेंगे और उसमें फिर लोगों को फ़ायदा होगा, हार्वेस्टिंग में उनको हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी। सरकार प्रोजेक्ट आया हुआ है गमड़ा कुड़िया की तरफ और एलाइड सेक्टर्स के लिए, उसमें काफ़ी फंडिंग है, उसमें हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे जो हॉर्टिकल्चरस हैं जो फार्मर्स हमारे पूरी वैली में या पूरे स्टेट में जितने भी फार्मर्स हैं उनको उन स्कीमों के बारे में पता होना चाहिए और वो स्कीमें जो है ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, हमारा प्राइमरी फोकस होगा और उससे क्या है लोगों की जिंदगियाँ जो बदल जाए।